दिसंबर की ठंड के बीच यूपी चुनाव ने पारा गर्म कर रखा है। इस क्रम में गृह मंत्री अमित शाह कल एक रैली को संबोधित करने सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। उनकी जनसभा में करीब 50,000 की भीड़ जुटने की संभावना है। वो यहां करीब एक घंटे ठहरेंगे। गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर लैंड करेगा और वहां से सड़क मार्ग से होते हुए उनका काफिला शहर के आवास विकास ग्राउंड पर पहुंचेगा। जिस रूट से अमित शाह को रैली स्थल तक पहुंचना है, वहां सालों से जगह जगह गड्ढे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उसकी पैचिंग करा दी। रैली स्थल के आसपास के स्कूलों में कल बच्चों को छुट्टी बोल दी गई है। अमित शाह यहाँ करीब एक घंटा रहकर वापस जाएंगे। रैली स्थल से लेकर शहर के जिन जिन क्षेत्रों से शाह का काफिला गुजरेगा, भाजपाइयों ने उन इलाकों को होर्डिंग्स और झंडियों से पाट रखा है। पूरा एरिया भगवामय बन गया है। आवास विकास के जिस मैदान से गृह मंत्री सुल्तानपुर में चुनावी बिगुल फूकेंगे, वहां उनके लिए 24x44 का एक विशाल वाटरप्रूफ मंच बनाया जा रहा है। साथ ही साथ पब्लिक के बैठने के लिए भी वाटरप्रूफ टेंट लगाया जा रहा है। यहां आने जाने वाले लोगों के लिए करीब 12,000 से 15,000 के आसपास कुर्सी भी लगाई जा रही है। टेंट का पूरा काम अयोध्या जिले के हनुमान टेंट को सौंपा गया है। बैरिकेडिंग से लेकर समस्त व्यवस्थाएं इसी टेंट के मालिक द्वारा कराई जा रही है। टेंट संचालक ने बताया कि करीब 25 से 30 लाख रुपए में टेंट की सारी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों से लेकर PWD के रोलर तक यहां मौजूद हैं, जो सड़कों को चमकाने में लगे हैं। अमित शाह के कार्यक्रम में सांसद मेनका गांधी भी शामिल होंगी। उनकी रैली से पहले भाजपाइयों ने भूमि पूजन और यज्ञ कर आहुतियां दी। साथ ही गृहमंत्री की रैली को सफल बनाने की कामना की। जिलाधिकारी रवीश कुमार, SSP विपुल कुमार श्रीवास्तव ने रैली स्थल का जायजा लिया और व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। सुल्तानपुर से Now 44 के लिए अजहर अब्बास की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज